एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में एक बहुत बड़ी जानकारी लेकर आ रही हूँ और आप लोगों के ना बहुत ज़्यादा उपयोग आने वाली है। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप करके ना देखें, और नहीं तो फिर आप लोग कमेंट में पूछते हो, वीडियो को आगे बढ़ा बढ़ा के देख लेते हो, आपके सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं। तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो आप ना मेरे बालों पर मत जाना, क्योंकि रात मैंने बहुत ज़्यादा हेयर ऑयलिंग की थी, जिससे बहुत ज़्यादा चंपू चंपू लग रहा है। तो चलो, हाँ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। मैं गई थी पिछले महीने गई थी सूरत। तो वहाँ मैंने, आप लोगों के सवाल आ रहे थे कि इतनी सस्ती साड़ी मिल सकती है वहाँ पर, तो मिल सकती है वाकई में। 40 रुपये से वहाँ पर साड़ी की स्टार्टिंग है, और जो लहंगे हैं ना, वो 700 रुपये से स्टार्टिंग है। लहंगों को देख के तो वाकई में मैं फ़िदा हो गई थी, और साड़ियों की जो क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो जब मैं वहाँ पर गई, तो वहाँ पर मुझे मिली थी वैष्णवी मैम, पूजा मैम, और जो वहाँ की पूरी टीम है, उनको मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। इतनी अच्छी टीम लगी कि मतलब इतना आपस में उनकी मतलब बातचीत करने का जो तरीका था, जो भी क्लाइंट आते थे, जैसे मैं गई थी तो मुझसे उन्होंने बहुत अच्छे से बात करी। जैसे अगर आप महाराष्ट्रियन हैं, या आप कन्नड़ हैं, तेलुगु, कहीं से भी आते हैं, अगर आपको हिंदी नहीं आती, तो वहाँ आपको सारी भाषाओं के लोग मिलेंगे और आपको ना बड़ा हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है जो रिटायरमेंट ले चुके हैं, जिनकी कोविड में जैसे अभी लॉकडाउन चला था तो जॉब चली गई है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली। तो ये ना बहुत छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं, आपको ज़्यादा अपनी लागत लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे अजमेरा फैशन जाइए, वहाँ पर आपको ना सारी जानकारी मिलेगी, और मैं नंबर वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ आप फ़ोन लगाइए, रिसेप्शन पर फ़ोन लगता है, बाकायदा आपको सारी जानकारी मिलती है। तो यहाँ काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे कि वाकई में 40 रुपये में साड़ी मिलती है। हाँ, मिलती है, 700 रुपये में लहंगा मिलता है, बहुत चीप क्वालिटी में वहाँ पर सामान मिलता है, होलसेल मार्केटिंग है। अगर मैं चाहूँ कि मुझे एक साड़ी मिल जाए, तो वो नहीं मिलेगी, वहाँ पर होलसेल का काम होता है। तो हर तरह की वहाँ पर वैरायटी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ साड़ियाँ ही मिलती हैं। जैसे अगर आप अपना गाउन वियर का कलेक्शन डालना चाहते हैं, शॉप डालना चाहते हैं, या किड्स की डालना चाहते हैं, या पार्टी वियर ड्रेसेस की, तो आप डाल सकते हैं, वहाँ पर ऑल ओवर सारा कलेक्शन है। तो जब मैंने देखा वहाँ पर, पाकिस्तानी एक सूट था, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊँगी, एक पाकिस्तानी सूट उन्होंने दिखाया जो कि पाकिस्तान की डिज़ाइन थी, वो वहाँ से उन्होंने मंगवाया था। मतलब सारी डिज़ाइनें होंगी वहाँ पर, लहंगे में भी एक से एक डिज़ाइनें होती हैं। और सबसे बड़ी बात, जब मैं गई वहाँ पर, तो उन्होंने पूरा मुझे अपना अजमेरा फैशन घुमाया, पूरा शोरूम उन्होंने मुझे घुमाया, और हर चीज़ की वहाँ पर व्यवस्था है। जैसे लोग आते हैं तो वेटिंग एरिया अलग है, रिसेप्शन अलग, तो हर चीज़ को उन्होंने बड़ा मेंटेन करके रखा है। तो मैं तो खुद ही वहाँ गई तो शौक गई थी, इतना बड़ा शोरूम, कम से कम 2-3 मंजिल, और हर वहाँ पे पैकिंग भी हो रही थी, उन्होंने मुझे पूरा घुमाया, तब मुझे जाकर पता चला कि यहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे साड़ियाँ बनना, साड़ियों कौन सा धागा लगता है, कैसे कैसे करके उन्होंने सारी चीज़ें बताई थी। चलो, मैं आपको आगे वीडियोस में दिखाती हूँ कि मैं कहाँ कहाँ गई, मैंने कौन कौन से कपड़े देखे, और क्या क्या क्वालिटी है उन कपड़ों में, और किन किन से मिली, उनकी टीम से मिलवाती हूँ। फ्रेंड्स, इस वक्त मैं आई हुई हूँ अजमेरा फैशन, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्लॉगर को मैंने देखा अजमेरा आते हुए, और मैंने सोचा चलो चल के देखती हूँ, क्योंकि सूरत की मानी हुई मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, और यहाँ पे साड़ियाँ होल सारा कुछ होलसेल में मिलता है, और यहाँ पर आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने कहा चलो चल कर देखती हूँ कि क्या सच है क्या झूठ है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैंने सुना था। और फिर मैं गुजरात आई हुई थी, लोगों को ना बताऊंगी भी कि यहाँ पे साड़ियाँ किस तरीके से मिलती हैं, आप कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज आप सब लोगों के सामने ना सच होगा और बताऊंगी आपको। तो फ्रेंड्स, फिर से वेलकम करती हूँ आप सभी लोगों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉगर गौरी में। अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी है, जिसमें मैंने सारा पार्टी वियर कलेक्शन दिखाया था और ब्राइडल कलेक्शन था, अगर आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाकर देखिए। और अब मैं ये सेकंड वाला वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि मैं दिखाऊंगी आपको कुर्ती कलेक्शन है, और पार्टी वियर सूट है, और मटेरियल है, वो दिखाऊंगी, जिससे आप आसानी से बिजनेस स्टार्ट कर सकें। यहाँ पे ना अगर आप एक चीज़ लेना चाहें वो आपको नहीं मिलेगा, ये पूरा होलसेल मार्केटिंग है। तो चलो चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ।
दिखाती हूँ कुर्ती कलेक्शन। जी मैम, हाँ। सबसे पहले तो स्वागत है आपका आज मेरा फैशन में। कैसे आप? बहुत बढ़िया। जी 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 नमस्ते, मैं वैष्णवी चौहान। आपने हमारी प्रीवियस वीडियो से देखी ली होंगी, ये एक और पार्ट होने वाला है। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी, आपका जो स्टाफ है और आप हो, मुझे बहुत अच्छा लगा मिलके। ये सारा स्टाफ है, सब लोग बहुत अच्छे हैं। जैसे मुझे ये नहीं फील हो रहा है कि मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ। जी मैम, एक्चुअली ये चीज़ है अजमेरा, ये जो अजमेरा फैशन है, या हमारे कस्टमर्स या हमारे स्टाफ ने, एक छोटा सा परिवार है। और एक बात बताओ, अजमेरा फैशन एक मिनी इंडिया है, जहाँ हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी, मारवाड़ी, हर कम्युनिटी के लोग हैं। सो फायदा ये है कि कोई भी कस्टमर कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आप कहीं से भी, ऑल ओवर इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया, आपकी भाषा के सेल्समैन हमारे पास हैं जो आपको गाइड करते हैं। इवन मैं अपनी बात करूँ तो मैं चार भाषा में बात कर लेती हूँ, तो मैं चार स्टेट के लोगों के साथ बात कर लूँगी। सेम वे कोई पंजाब से है, कोई हरियाणा से है, कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई महाराष्ट्र से। तो इसी तरह, तो जब भी आप अजमेरा फैशन आएंगे तो आपको सिर्फ कपड़ा नहीं देंगे, लेकिन कपड़े के साथ नॉलेज देंगे। आपकी जैसे पर्सनली यहाँ पर जो आपको फील हो रहा है, सेम हमारे कस्टमर्स का भी फीडबैक होता है। नहीं नहीं, मुझे इतने कपड़ों की नॉलेज नहीं थी कि कौन सा क्या कपड़ा होता है, तो बस मुझे यहाँ आने के बाद ना मुझे काफी ज्यादा पता चला है कौन सा क्या कपड़ा होता है। जी मैम, कपड़े में बहुत सी कैटेगरीज है, बहुत सी, इवन हम कह सकते हैं काउंट ही नहीं कर सकते इतनी, क्योंकि एक धागा है उसके ऊपर कोई अलग तरह की प्रोसेस करनी, वो धागा कुछ अलग ही बन जाता है। अलग ही बन जाता है, जैसे एक कोई धागा है, इसको हॉरिजॉन्टल बेस में अगर हमने बना दिया तो कुछ अलग बन जाता है। सो इट इज लाइक दैट। तो आज हम देखेंगे मैम कुर्ती, कुर्ती दिखाएंगे। ब्राइडल साड़ी का जो चीजें थी आपको बहुत अच्छी लगी, व्यूअर्स को अच्छी लगी, ड्रेस मटेरियल अच्छा लगा। अब कुर्ती की बारी, कुर्ती की शुरुआत हम ये देखिए, ये पूरी कुर्ती से मैं करती हूँ। इसका कपड़ा भी काफी ज्यादा ये अच्छा है, आपको टूटोन कपड़ा मिल रहा है, दिस इज नोन एज अ टूटोन। जी हाँ, उसके बाद बात करें तो सेम कलर की स्ट्रेट ए लाइन कुर्ती मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, स्ट्रेट कुर्ती है, ये भी अच्छी। ये देखिए, पेरेंट्स के सपने अलग होते हैं, खुद के सपने अलग होते हैं, और उनका जो बैलेंस होता है उस पर भी जब फंस जाते हैं। टोटली अभी हमारी यंग जनरेशन पे ये प्रेशर होता है सोसाइटी का, शामिल रिस्पांसिबिलिटी। आपके पड़ोसी आपसे उम्मीद करते हैं डॉक्टर बनेगी, पेरेंट्स सोचते हैं इंजीनियर बनेगा। फ्रेंड्स, आपके जो सारे सवाल थे वो आपको सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा वीडियो में, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आप विजिट करना चाहते हैं, यहाँ पर जाना चाहते हैं पर्सनली, तो आप जा सकते हैं, और भी आपको अच्छा लगेगा वहाँ जाने के बाद में। तो मैंने लिंक वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, नंबर भी दे दिया है। और अगर आपको थोड़ी सी भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। क्या पता है ये वीडियो कब किसके काम आ जाए, तो शेयर ज़रूर करें, भले सब्सक्राइब करें ना करें पर शेयर ज़रूर करें। तो चलो ठीक है, मैं यहीं पर अपने ब्लॉग वीडियो का एंड करती हूँ।